कोणार्क न्यूज पर सबसे प्रसिद्ध प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये वही प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम ने आपसे कई सारी टीआरपी बटोरी है। इस प्रोग्राम में आप देखते हैं उल्लासनगर के प्रसिद्ध या प्रतिभाशाली या अनुभवी लोगों से एक मुलाकात। तो आज भी हमारी हो रही है ऐसे ही एक अनुभवी व्यक्ति से बात और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक मुलाकात। जी हाँ, आज हमारी मुलाकात हो रही है उल्लासनगर के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक, प्रतिष्ठित नामों में से एक, कालानी परिवार से एक, नारायण कालानी जी से। नारायण कालानी जो कि उल्लासनगर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पप्पू कालानी जो उल्लासनगर के ऐसे नेता हैं जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है, उनके भाई हैं। और यूँ कहें कि पॉलिटिक्स में, सामाजिक क्षेत्र में पप्पू कालानी से पहले ये बहुत सक्रिय थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी उन्हें जाने, इसी वजह से आज के प्रोग्राम में हम लाए हैं इनसे एक मुलाकात। नारायण कालानी जी, आपका हमारे इस एक मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका पूरा परिचय, आपका जन्म स्थान क्या है, कौन सा शहर, कौन सा देश? मेरा सिंध में जन्म हुआ था 17/11/1944 को, और वहाँ फ्राइडे का डे था, और वो सिंध जो थी उस वक़्त हिंदुस्तान के साथ में थी। हिंदुस्तान में 1947 में और 47 में हम हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हम सीधा उल्लासनगर पहुंच गए थे। और उसके बाद ये अब जो बात निकली है 1947 की, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 1944 में आप जन्मे, मतलब आज़ाद हिंदुस्तान नहीं हुआ था तब आप जन्मे, तब सिंध जो था वो हिंदुस्तान का हिस्सा था। या लेकिन 47 के बाद जब आज़ाद देश हुआ, लेकिन हमारा जो सिंध प्रांत, आपका जो सिंध प्रांत, सिंधी समुदाय का जो सिंध प्रांत, वो वहीं छूट गया। तो क्या महसूस कर रहे थे आप, आपके परिवार, पूरा सिंधी समुदाय क्या महसूस कर रहे थे उसी वक्त? तो मैं 3 साल या 4 साल का था, तो इसलिए मुझे कम से कम 5-6 साल के बाद इनका नॉलेज पड़ा। नॉलेज ये पड़ा कि भाई हमने देखा कि बड़े लोग क्या क्या बोलते हैं, और हमने बड़ों से सुना किस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म हुआ था, किस तरीके से हम अपना देश छोड़ के यहाँ आए, कितनी प्रॉपर्टियाँ छोड़ के यहाँ आए, और यहाँ देखा कि इतने जंगल थे कि चलने के लिए सांप निकलते थे और ये निकलते थे कि खटारों में चलना पड़ता था। यहाँ फकत वेठरवाड़ी स्टेशन थी और उसके वहाँ एक गाड़ी पूना से आती थी जो सीधा चली जाती थी बॉम्बे में, और हम लोग गरीबों के हिसाब से वो सामान लेके आते थे और वही 3 बजे वाली गाड़ी जाती थी, फिर वापस हम लोग यहाँ पहुँच जाते थे और आराम से हम देखते थे कि भाई वो बेचारे किस तरीके से बेचते हैं। जो वहाँ शाहूकार थे, अमीर थे, वो यहाँ गरीब की हालत में हमने देखा। तो उसी वक्त हम समझो 4-5 साल काटने के बाद ये हमने रियलाइज़ किया, तो हम लोगों ने कितना सफ़र किया हिंदुस्तान में आने के वक्त। और हमको किसी ने उसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और जो भी सिंधी आए थे, उसी वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था कि उल्लासनगर में आपको रिफ्यूजी कैंप दिया जाएगा, और रिफ्यूजी कैंप देने के बाद ये एग्रीमेंट हुआ था कि या और किसी को भी ज़मीन और जायदाद नहीं दी जाएंगी, जहाँ जो खेती करने वाले हैं उनकी ही लैंड उतना दिया जाएगा, बाकी सब उल्लासनगर के सिंधी कम्युनिटी को दिया जाएगा। लेकिन ऐसा न हुआ और उसके बाद आज हम भोग रहे हैं जो देख रहे हैं। लेकिन सर, सुना तो ये जा रहा है कि रिफ्यूजी कैंप के हिसाब से उनको क्लेम दिए गए थे, लेकिन क्लेम के बाद जो बाद में के डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके चलते चलते सरकार ने अपनी तरफ से डिले की। शुरू शुरू में क्लेम दिए गए थे, जो कोठियां थी वो क्लेम में दी गई थी, क्या ये सही है? या ये सही है। और उसके ऊपर ये हुआ कि क्लेम देखते 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 बेचारे आदमी जो उसी वक्त के थे, बहुत एजेड थे, वो गुजर गए, उसके बाद क्लेम का कोई ये नहीं हुआ। उसके बाद वही सिंधी कम्युनिटी में ये हुआ कि भाई प्लाटों का लीलाम हुआ, लीलाम में समझो कोई भी लीलाम भर सकता है कि, उसके बाद हमने देखा कि वो भी कैंसिल किया गया। आगे अगर वो लीलाम दिया जाता था तो आज उल्लासनगर में सिंधी कम्युनिटी बहुत आनंद से रह सकती थी। आज जैसे रोड बनाने के लिए
सिंधी कम्युनिटी को उसी वक्त कहा गया था कि जिधर भी बनाओ, हम लोगों ने बनाया रोड के ऊपर। आज बोलते हैं कि 100 फीट रोड बनेगा, जो जिन लोगों ने इतने साल तक 50 साल तक वो रोड पे ये किया, आज उनका रोड तोड़ के पीछे किया जाता है। पीछे पहले ही बैरक्स थी जिनकी वजह से उनको बरोबर फायदा न मिला। यहाँ तो सिरू चौक से वहाँ दुकानें, अभी रोड बनाते हैं तो उनके दुकानें चले जाते हैं, वो इतने 60 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको क्या मिला? कुछ नहीं। और उसके बाद ज़मीनें जो भी है सब दूसरी कम्युनिटियाँ ले ली है, और उसके आगे क्या मिलने वाला है अभी? सर आज ये जो नज़ारा है, आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोड्स के चलते अपने दुकानों को डिमोलिश करवाना पड़ता है, घरों को डिमोलिश करवा। तब जब सिंधी समाज के लोग आए थे, तब जब उनको बोला गया था कि आप जहां खोली मिले रहो और आपको क्लेम में दी जा रही है और यहां रहो, तब आपको लगा कि कुछ ऐसे नेता पैदा हुए थे उस समय, कुछ ऐसे सिंधी समाज के लोग जो नेता बनकर या आपकी आवाज़ को, सिंधी समाज की आवाज़ को सरकार के आगे रखे, ऐसी कुछ वहाँ पर व्यवस्था बनी थी उन दिनों में? 50 की बात की जाए, 48 की बात की जाए, उसी वक्त ऐसा हुआ था, उसी वक्त ऐसा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। अभी भी गवर्नमेंट के पास वो एग्रीमेंट होगा और हमारे लीडरों के पास अभी भी एग्रीमेंट है, लेकिन उस एग्रीमेंट का फ़ायदा क्या है? जैसे आज बहुत से महाराष्ट्र की ज़मीनें जो अंग्रेज़ों ने यहाँ दी है, उधर दूसरी कम्युनिटी आके बस गई है। कल की बात है, एक आदमी आया मेरे पास, 4 एकड़ ज़मीन एक नंबर के वहाँ है, और वहाँ मैं उनकी रेंट ये भी भरता हूँ, टैक्स भी भरता हूँ, उसके बाद भी चारों तरफ से उन झोपड़पट्टी या दूसरे लोग आके बैठ गए हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है जो यहाँ आके बैठे हैं, उनका काम नहीं है कि अनऑथोराइज बिल्डिंग है या अनऑथोराइज जगह कोई भी बांटता है? बस पैसा उसके आदमी ने लिया और उसके काम पूरा हुआ। आज आप दूसरे दूर क्यों जा रहे हैं? सामने से देखो कि सेंट्रल हॉस्पिटल के बाद फुटपाथ बनाई गई है, फुटपाथ के ऊपर मटके वाले बैठे हुए हैं, उसके आगे और मटका पड़ा हुआ है, और आपसे मैं पूछता हूँ इतना रोड वो किया जाता है, उसके बाद भी कुछ आंसर नहीं है जो आता है एडमिनिस्टर, या समझो हमारा चीफ ये कमिश्नर आता है, क्या करते हैं? नथिंग। ओनली उल्लासनगर को बेचने के लिए हमारे मिनिस्टर भी हैं जो उल्लासनगर के किसे चंद आदमियों से बन के आपको क्या चाहिए वो करके दे देते हैं, और वो उससे उनके वो अपनी सिटी में करे तो हम मान लें, अपनी सिटी में कोई नहीं करता है, फकत हमारे उल्लासनगर सिटी के अंदर इंटरफियर करते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, ये कौन सा लॉ है जो कोई भी मिनिस्टर हमारे सिटी के अंदर इंटरफियर करे? वहाँ का MLA है, वहाँ की कॉरपोरेशन है, उनको इंटरफियर करना चाहिए, न के कोई भी आदमी आके इंटरफियर करे और मिनिस्टर ने कह दिया और साइन कर दिया और उसको लैंड दिया जाए। ये गलत तरीका है जो आज तक चल रहा है, और हम भी चुप करके बैठे हैं, क्या करें? क्योंकि जो उसके वजह से हम भोग के आए हैं, क्योंकि जो हमने कमिश्नर से किसी बात के ऊपर हमारा ये हुआ जिसके वजह से हमारे ऊपर टाडा लगी और सुप्रीम कोर्ट ने वो टाडा हटा दिया, तब तक तो हम भागते रहे ना, हम तो जेल में पड़े रहे ना। उसी वक्त क्या, कौन हमारी पब्लिक, हमारी सिंधी कम्युनिटी ऐसी है, थोड़ी बुजदिल है, बुजदिल नहीं ऐसे पहलवान है, लेकिन क्या है उनमें कम्युनिटी में ज्वाइंटली कोई लीडर उनको, जैसे पप्पू कालानी एक लीडर था जो ज्वाइन करके उनको रख सकता था, और आज और कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनको ज्वाइन करके रख सके। कहते कहते नारायण कालानी जी ने कई सारी ऐसी बातें कही जिसमें नेताओं के ऊपर, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, हमारी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां हैं, कमियां हैं जिनको ये चाहते हैं कि उसमें सुधार होना चाहिए, एक अच्छी सी लीडरशिप होनी चाहिए, ये इनका कहना है। नारायण कालानी जी, आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी आते हैं, टाडा कैसे लगी, किस प्रकार से आप अंदर गए? फिलहाल मेरा एक सवाल ये है कि जब आप आए, जब छोटे थे, तब कुछ लोग यहाँ पर नेता बन के उभरे, उन दिनों परिस्थितियाँ क्या थी? जैसे आप तो छोटे थे, तो आपके परिवार में आपने जब छोटे से बड़े हो रहे होंगे, आप युवा अवस्था की ओर जा रहे होंगे, तो कौन ऐसे आपके परिवार में लोग थे जो पॉलिटिक्स में जिन्होंने रुचि की और समाज के लिए जिन्होंने सोचना शुरू किया? धुनीचंद कालानी, परशुराम कालानी, जिन लोगों ने
कुर्बानियां भी दी हमारे ऊपर, ऐसे बहुत से केस ऐसे भी हुए जिनका कोलड ने छोड़ दिया या वो कर दिया, लेकिन हमारे को उसके वजह से भोगना तो पड़ा, दुनीजन को तो मर्डर किया गया, उसी वक्त कौन जवाबदार है? आज तक वो केस नहीं उठा है, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है, आज तक सुप्रीम कोर्ट में वो केस पड़ा हुआ है। आज आप एक मुलाकात में बैठे हैं, आज जब आप 44 में जन्मे हैं, आज जब 2018 चल रहा है, तो आप उम्र की तकरीबन डिस्टिंक्शन पार कर रहे हैं, 75 वर्ष की ओर आप जा रहे हैं और बेबाक रूप से बोल रहे हैं, तो एक बेबाक सा सवाल करूंगा। दुनीचंद कालानी का मर्डर, जहां से पॉलिटिक्स ने शहर में एक एग्रेसिव रूप ले लिया और उसके बाद कई सारे और मर्डर हुए जिनमें कईयों को भुगतना भी पड़ा और सबसे बड़ी बात के शहर के विकास को भुगतना पड़ा, तो आपने उस समय में या आज भी जब आप कैमरा के सामने एकदम फ्रेंकली बात कर रहे हैं, किसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी? दुनीचंद कालानी के मर्डर में किसका हाथ था? ये तो कॉमन बात है, गोपबैरानी के साले साहब थे या ये लोग थे, बहुत से और भी जिनका हमको, क्योंकि मैं आई विटनेस था, आई विटनेस के बाद भी आज मुझे कोई भी वो नहीं हुआ है, समन नहीं हुआ है या कुछ बुलाया नहीं गया है, आज भी वो रिपोर्ट तो की गई थी ना, स्पेशल समझो हमने ऑफिसर लाए थे, वो ऑफिसर कुदरत से इतने बेईमान निकले कि खुद ही जेल में पड़े हुए हैं, अभी अभी निकले हुए तो निकले हुए, जब हमको टाडा लगाई गई तो मैंने देखा वो ऑफिसर ही अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि जो उन लोगों ने कौन सा हमारे साथ में इंसाफ किया, नथिंग, और आज तक भी कौन सा इंसाफ मिलेगा, मिलने की उम्मीद तो छोड़ दो, हिंदुस्तान में क्या है ये तो आप खुद जानते हो, मैं जानूं या ना जानूं, आप खुद इतने आदमियों से मिलते हैं, आपको तो खुद नॉलेज होना चाहिए। जो नाम आप ले रहे हैं ये उस समय पॉलिटिक्स में थे और आपके साथी थे या पॉलिटिकल एक राइवलरी चली जिसके चलते ये सब हुआ? नहीं, गोप बैरानी हमारे साथ में था, क्योंकि जो उसी वक्त परशुराम जी की पार्टी थी, 8 उनके ये थे मेंबर थे जो चुन के आए थे, और मैं 2 आदमी हम आए थे कांग्रेस के ऊपर, और कोई भी कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं आया था, मैं और यूनिस नाम का एक आदमी था, वो दोनों ही हम कांग्रेस पे आए थे, 8 आदमी वो जो थे, परशुराम कलानी, गोप बैरानी या एल के आहूजा समझो वकील थे, और सलामत राय पुरस्वानी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो आदमी थे वो आए थे उसी वक्त। लेकिन झगड़ा कहाँ से हुआ कि नदी के किनारे पे पिंटो पार्क बना दिया, जिनके वजह से झगड़ा चालू हुआ, पिंटो पार्क बना दिया, और जो नदी नदी नीचे से जा रही है उनके वजह से पूरा पानी कचरा ये हो रहा है, जिनके वजह से शहर में गंदगी पैदा हो रही है। उसके बाद भी ठीक है, दुनीचंद के पास इनका पिताजी आया और उसने बोला कि साइड करके रोड निकाल देते हैं, हमने बोला चलो जाने दो, क्या पॉलिटिक्स में आज जैसे इधर अपना केरल में सब ज्वाइंट पार्टी हो गई है ना, कर्नाटका में ज्वाइंट पार्टी हो गई है ना, सब अपोजिशन वाले ज्वाइंट हो गए हैं, कल एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज सब ज्वाइंट हो गए हैं, क्योंकि किसी पहलवान से लड़ने के लिए तो ज्वाइंट होना ही पड़ता है ना, तो ये कॉमन बातें जो है पॉलिटिक्स में आपकी सूझबूझ, आपने जब युवावस्था में कदम रखा होगा, जब आपको समझ आई होगी, कैसे शुरुआत की आपने पॉलिटिक्स में, कब वो दौर था जब आप भी नगर सेवक बने? मैं 78 से पहले मेरी पार्टी थी इनकलाब पार्टी, इनकलाब सुन के पुलिस डर गई थी, क्योंकि इनकलाब माना पाकिस्तान के आदमी है, इनकलाब माना बड़ी बात हो गई, उन लोगों ने उनकी जांच की, पड़ताल की, लेकिन देखा कि ये किस अच्छे बेस पे है, जो गरीब जो जिनके पास घर नहीं थे उनको हमने झूने पुराने जो काकुस संडास थे वो हमको गरीबों को दे देते थे, जैसे उनका घर बन के अपनी सुखी जिंदगी, उसी में हमने कभी ये नहीं सोचा कि महाराष्ट्रन है या भैया है या सिंधी है, वो हमने कभी नहीं सोचा, उसी में जयराम लोला जैसे भी आदमी मेरे सेक्रेटरी थे, आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन के बैठा है लेकिन वो मेरा सेक्रेटरी था, और ऐसे बहुत से लोग थे जो इसी सेवा में लगे रहते थे और अच्छा था उसी वक्त। फिर हमने देखा कि भाई इससे भी कुछ नहीं होता है, फिर 78 में मैं
म्युनिसिपल काउंसलर बना कांग्रेस के ऊपर। उसी वक्त महाराष्ट्र का हशु आडवाणी ये था, मतलब मिनिस्टर था, मिनिस्टर था। जब मैंने आडवाणी के सामने ऐसा रिकॉर्ड किया कि वहाँ गरीबों से महाराष्ट्र तेलंगु इन लोगों से टेप रिकॉर्डर उसी वक्त मिलता था जापान का, टेप रिकॉर्डर में मैंने उनका टेप करके भाई क्या कचरा है क्या नहीं है क्या है उसके सामने मैंने जब चालू किया, तो आडवाणी को बोला गया कि इस लड़के से आप डर के रहना क्योंकि ये पोल पूरा खोल देंगे आपका, कभी भी वो रुकेगा नहीं और पब्लिक में रैली कर देगा। उसी वक्त ये लोग, हम लोगों ने काम करना चालू किया, लेकिन फिर भी उसमें भी बेईमानी तो होती थी ना, हर जगह पे बेईमानी के सिवाय तो संसार चल ही नहीं रहा है। क्यों बेईमानी होती थी? पास मैं करवाता था, हमारा आडवाणी प्रेसिडेंट अपने बीजेपी वाले को भेज के खड़ा करता था कि रोड जैसे वो बना रहे, अरे भाई पास मैंने करवाया मुझे मालूम ही नहीं, ऐसी चीजें चलती थी, चलने दो। तो 78 में सबसे पहले आप नगर सेवक, या 78 में, तो तब सरकार मतलब कॉर्पोरेशन यूं कहे काउंसिल थी तभी, काउंसिल में तो आप ही की पार्टी का, नो नो बीजेपी 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 उसके चलते भी आपने वो काम किया। अच्छा ये भी सब लोगों को मालूम है कि आप वाइन के बिजनेस में, आपका परिवार शुरू से रहा, तो उन दिनों वाइन के बिजनेस में आप भी थे, मतलब सक्रिय रूप से आप इन्वॉल्व थे उसमें? मेरे नाम पे ही लेसन ही मेरे नाम पे था, आपके नाम पे था, या तो ये सब डेयरिंग की बातें, ये सब फेस करना, संघर्ष करना, कहीं ना कहीं उस बिजनेस के चलते पॉलिटिक्स में उसका फायदा मिलता था? नहीं, पॉलिटिक्स से कोई बिजनेस का उसी वक्त वास्ता ही नहीं था, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी सिंधी एरिया के अंदर ही, हम लोग अपनी यानी उल्लासनगर में ही हमारी पॉलिटिक्स चलती थी, हम बाहर तो पॉलिटिक्स करने को जाते नहीं थे, या किसी भाई के मुड़बाड़ ये वो वहाँ कहीं जाते ही नहीं थे, कल्याण जाते नहीं थे, कल्याण वाले हमको बोलते थे कि मेहरबानी करें कल्याण में आके आप खड़े रहो, खड़े रहो, जैसा आप उल्लासनगर को बना रहे हो वैसे हमारे कल्याण को भी बनाओ। लेकिन बाद में ऐसी हालत हो गई, कल्याण हमसे बहुत आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। नहीं, ऐसे ऐसे सुना जाता है, अब हो सकता है मैं गलत रहूं, कि अपने बिजनेस में आप ऐसे लोगों से निपटने के लिए जो कहीं ना कहीं व्यवसाय में आपके साथ ठगी कर रहे हैं या आपके कर्मचारी कुछ ऐसे हैं, आप रिवॉल्वर भी रखते थे उस समय, लाइसेंस होता था कि नहीं होता था, तो इस तरह नारायण कालानी का दबदबा हुआ करता था उस समय? जरूर रिवॉल्वर का लाइसेंस तो मेरे को था ना, मेरे पास रिवॉल्वर था। आपसे मैं पूछता हूँ, आपके पास है समझो किसी चीज़ रखने की परमिशन होए, समझो कैमरा के ऊपर बैंड है, आपके पास कैमरा का लाइसेंस होए, तो आप कैमरा का लाइसेंस होने के कारण आप कैमरा लेके नहीं चलोगे क्या? आप समझो इस पॉलिटिक्स में इसमें हो, पेपर न्यूज़ में हो, तो आप कैमरा लेके नहीं चलते हो क्या? आपके आदमी कैमरा लेके नहीं चलते हैं क्या? उनको भी बैंड किया जाए कि भाई अगर मेरे को लाइसेंस है मैं लेके नहीं चलूं। ये लाइसेंस था या तो उसका दबदबा आपने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया? नहीं, कहीं भी नहीं किया, लेकिन बोला जाता है कि आपने ऐसा किया, लेकिन प्रूफ कोई करके दिखाए कि भाई किसी को मैंने गोली मारी, किसी को दिखाया, किसी को ये किया, मेरे हाथ में कोई चीज है तो इसका मतलब कि मैं वो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं रखूं, फिर गवर्नमेंट ने लाइसेंस क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था। फिर कौन सी पार्टी से सबसे पहले आप नगर सेवक चुनकर आए? कांग्रेस से। कांग्रेस से, और फिर तत्पश्चात आपने वो दौर जारी रखा? हाँ, कंटिन्यूअसली। फिर दूसरे दौर में भी कांग्रेस, कांग्रेस के ऊपर। इस बीच में कौन कौन से पद पर आप रहे और किस किस तरह से सक्रिय आपने काम? मैं पहले एक्टर पे रहा, 78 में तो मैं बीजेपी के अगेंस्ट था, माना कांग्रेस में था, तो 78 में तो मैं कुछ भी नहीं था, ऑर्डिनरी म्युनिसिपल काउंसिलर ही था। उसके बाद 86 में पहले मैं एक्ट्रा का चेयरमैन बना, उधर मैंने 25 लाख जो बीजेपी करती थी उसके बदले में 77 लाख रुपीस करके दिखाया, जिनके वजह से शहर का सीमेंट ब्लॉक ये पड़े। उसके बाद आदमी तो बोलते हैं ना, जो काम करेगा उसके अगेंस्ट तो जाएंगे, कुछ लोग अगेंस्ट जब गए तो इमीडिएटली मैंने रेजिग्नेशन दिया। उसी वक्त फिर मेरे को हाउस टैक्स दिया गया, हाउस टैक्स में मैंने देखा यहाँ तो और घोटाला है, जैसे उसमें मैंने देखा अक्ट्रा में घोटाला है, वैसे हाउस टैक्स में देखा घोटाला है।
मैंने बोला भाई चोर चोरी से रहेंगे नहीं, इसलिए मैंने 33 आदमी सेपरेट रखे जिनको पूरे उल्लासनगर की सर्वे करवाई। सर्वे करवा के हमने हाउस टैक्स, जैसे सेंचुरी रैन के अंदर बिल्डिंगें बनती थी, कलेक्टर पास करता था और टैक्स देते नहीं थे, वो मैंने प्रूव करके दिखाया। टैक्स बढ़ गई तो आदमियों ने चिल्लाना भी चालू करेंगे ना, क्योंकि जो आपके ऊपर जो 1 रुपया आना चाहिए उसके बदले में 2 रुपया आएगा तो आप चिल्लाएंगे। आपने ये नहीं सोचा कि मैंने बिल्डिंग बांधी है, वो नहीं सोचा। आपने ये सोचा कि भाई पहले तो 1 रुपया आता था नारंद, मैंने बाहर से लिखवा दिया था 24 आवर्स के अंदर किसी को भी कोई तकलीफ होए हमारी तरफ से हम 24 घंटे के अंदर उनकी साल करेंगे। और उसके वजह से सेंचुरी रैन वालों ने पैसा भरना चालू किया। उसके बाद तो ये होने वाली है, फिर मेरे को मिला, क्योंकि जो सब जितने मेंबर थे ना उन लोगों ने बोला यार ये रोड बनेंगे ही नहीं क्या। मैंने बोला परवाह क्यों करते हो, सब ने आके मेरे को हाथ पांव जोड़ा। मैंने बोला चलो भाई क्या करना है, बोला यार PWD का चेयरमैन बनो। तो राजू जिसको समझो क्या बोलते हैं, हाँ इतना नहीं, उसको पप्पू सेठ ने बनाया था PWD का चेयरमैन। तो सब मेरे पास आए, मैंने बोला ठीक है भैया मैं तो बन ही देता हूँ। बन गया तो पहले तो मेरे आपोस बहुत हुए, पर जब ठेकेदारों ने देखा ये न रिश्वत लेता है न कुछ करता है, काम से मतलब रखता है, काम करो सही काम करो, हमने काम करवा के दिखाया। फिर उसके बाद हमको इन लोगों ने कमिश्नर से मेरी ये हुई, अनपनत हुई। क्यों, वो भी क्यों हुई, एक डॉक्टर का मर्डर हो गया नरेंद्र के पास, एक डॉक्टर था पाकिस्तानी, उसका मर्डर हो गया। मर्डर होने के कारण मैंने उनको कहा कि मर्डर को आप 24 घंटे के अंदर बोलते हैं अमेरिका से लंदन से ज़्यादा हमारी पुलिस वो है, फास्ट है, और यहाँ तो देख रहा हूँ 24 घंटे के अंदर आप कोई आदमी नहीं पकड़ सके हो, तो इसके वजह से आपको यहाँ कमिश्नर रहना नहीं चाहिए, बेहतर है। उसके वजह से हमारा और उनका आपस में ये हो गया। ठीक है, हो गया तो उसने टारा लगा दिया, भूख के आ गए फिर उल्लासनगर में। नारायण गालन जी बता रहे हैं कि इनके ऊपर टारा लगने का जो मुख्य कारण था वो पुलिस कमिश्नर के साथ इनकी जो व्यक्तिगत रंजिश बनी उसके चलते पुलिस ने इनके साथ दुश्मनी निकाली और इनके ऊपर टारा लगाया गया, और बाद में वो टारा हटाया भी गया, लेकिन इसके चलते इनको काफ़ी समय जो है शहर से दूर रहना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। लेकिन शहर की सेवा के चलते, विकास के चलते, या शहर के पॉलिटिकल राइवलरी के चलते इन्होंने जो भुगता है वो इन्होंने आज अपने मुंह से आपको बता दिया। ऑक्ट्रा की क्या पोजीशन थी उस समय, हमने ऐसा सुना है कि ऑक्ट्रा की जो कलेक्शन आती थी वो काफ़ी कम आती थी और आपने उसके आंकड़े बढ़ा दिए जिसके चलते विकास में भी वो पैसे लगे और इस तरह से शहर की हालत सुधर। वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई हमने 25 लाख के बदले में 77 लाख रुपीज़ का ऑक्ट्रा किया, और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है कि समझो आपका धंधे में गड़बड़ी होगी, क्योंकि जो ऑक्ट्रा पहले नहीं भरते थे अभी भरना चालू करोगे तो कुछ मेंबर्स हमारे जो थे वो उन दूसरी पार्टियों से भी तो रहते हैं ना, रिलेशन रहता है ना, तो उन लोगों ने हो करके मेरे को हटाना पड़ा। उसके बाद मैं हाउस टैक्स का चेयरमैन बना, मैंने 77 लाख रुपीस कर दिए। अच्छा, ये वही दौर था जब आप सत्ताधीश बन गए थे, आपकी पार्टी जो 86 का दौर था जब उल्लासनगर विकास के नाम पे पूरे दुनिया भर में वाहवाही बटोर रहा था, जब पप्पू कालानी प्रेसिडेंट बने थे अपनी पार्टी से काउंसिल के, ये वही दौर था। वही दौर था। तो यूं कहें कि नारायण कालानी ने भी इस पूरे वर्चस्व में, इस उल्लासनगर को दुनिया भर में एक अच्छा शहर, सुंदर शहर बनाने के चलते इनका भी योगदान रहा है जो इन्होंने आज हकीकत अपने मुंह से आपके सामने बयान की है। उस समय पॉलिटिक्स में और क्या क्या दिक्कतें आती थी, किस तरह के दिक्कतों का और आपको सामना करना पड़ता था? आज की पॉलिटिक्स, सीधा सवाल, आज की पॉलिटिक्स और तब की पॉलिटिक्स में अंतर? सरल तरीका है, उस जमाने में हम जो भी करते थे आदमी को बुला के, और उनका किसी का समझो नुकसान भी हुआ, समझो रोड निकाला किसी महाराष्ट्र का, किसी सिंधी का, किसी भैये का, किसी का भी हुआ, तो हम उसकी पे गवर्नमेंट की तरफ लिख के नहीं भेजते थे, हम ठेकेदार को बोलते थे कि भैया
इन बेचारों को तुमने रोड बना रहे हो, उसमें से निकाल के आप इनको पीछे से बना के दो, और आगे और पीछे बन जाती थी, वो कभी बेचारा बोलता ही नहीं था, हमारा रोड बन जाता था और पब्लिक के लिए बेनिफिट होता था। अगर हम लिख के भेजें तो साल भर तक हमारा रुक जाता, या वो आदमी सीधा कोर्ट में जाता और उसको, जैसे अभी ये मेन रोड है सीधा पड़ा है ना कोर्ट में, आज तक इतने दिन हो गए ना रोड बना न वो आदमी को फैसला मिला। तो वो उसी वक्त ऐसा नहीं था, हमने बहुत से रोडों का नाम भी बता सकता हूँ कि जहाँ से हमने निकाला, बड़े बड़े जो दिगंबर बोलते थे उन लोगों ने भी बेचारों ने हम लोगों को ये किया। अच्छा, रही बात आपके ऊपर इल्ज़ाम लगने की, आप कह रहे हैं कि पुलिस के साथ व्यक्तिगत, लेकिन पुलिस ने जो हम कानूनी रूप से देखते हैं कि आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए होंगे तो वो तो व्यक्तिगत नहीं होंगे, उन्होंने तो अपनी तरफ से एक अलग ही माजरा बनाया होगा, तो आपके कथन के अनुसार, आपके बोलने के अनुसार वो क्या माजरा आपके ऊपर दायर हुआ जिसके चलते टाड़ा लग गई आपके ऊपर, किस तरह की चार्जशीट फाइल हुई थी, देखो, क्या देखा गया? देखो, एक ने बोला उसी वक्त, टाड़ा का मतलब क्या है आपको मालूम होगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, यस। आप मेरे को बताओ, आप भी तो उसी वक्त थे, हमने आपको कभी कुछ गाली दी थी? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं। नहीं, मैं भी आपसे वही क्वेश्चन करना चाहता हूं कि कोई आदमी आज भी ले आओ जो कहे कि भाई हमको इन लोगों ने सताया, या कोई भी आदमी ऐसा प्रूव करके दिखाए कि हमारा कोई पाकिस्तान या सिंध से या दूसरी अमेरिका से या किसी से भी हमारी ज्वाइंट थी, वो भी प्रूव नहीं कर सकते हो और वो भी प्रूव कर नहीं सकते हो। टाडा क्यों होना चाहिए? टाडा ज़्यादा में ज़्यादा आदमी उनके ऊपर, ऐसे तो मैं कहूँगा कि आडवाणी के ऊपर टाडा लगाओ, क्यों नहीं लगाया? उसने तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाया, मस्जिद अगर नहीं टूटती थी तो ये झगड़ा आज तक नहीं चलता था। मस्जिद थी या हमारे राम मंदिर था, वो मैं उसी के अंदर नहीं जा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि उनके ऊपर डाटा लगाने चाहिए जो दो कम्युनिटी के ऊपर झगड़ा चल रहा है, हमारे ऊपर क्यों? वही सर सवाल है कि आपने भी ये पता लगाने की कोशिश की होगी कि टाड़ा जब आपके ऊपर लग गया, अंडरलाइन करके नीचे सब क्लॉजेस में कि टाड़ा क्यों लगा, नारायण कालानी ने ऐसा क्या किया है, तो उसमें उन्होंने, सरकारी अफसर है वो ऐसे तो लगा नहीं सकते, अपनी तरफ से ही लगाया, चलो आप उसको झुठलाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा था अपनी ओर से? उन्होंने लिखा था कि नारायण ने 15,000 रुपया दिया था कि उस आदमी को, कि भाई इस आदमी को 15,000 रुपये में मार के आओ। आपसे मैं पूछता हूँ, 15,000 रुपये में कोई आदमी मारता है क्या? अच्छा, एक ने लिखा कि गोली मेरे को पाँव में लगाई, दुनीजन का जिस दिन मर्डर हुआ था। तेरे से मैं पूछता हूँ, कोई भी आदमी, आप, आपका भाई हो, आप मेरे को बताओ कि आपके पास रिवाल्वर है, आपके पास रिवाल्वर है और गवर्नमेंट का रिवाल्वर है मतलब, और आपको कोई आदमी बोले कि आपके भाई को किसी ने मार डाला है, इन लोगों ने मारा है, और पकड़ के आदमी आपके पास आए, तो आप इसको क्या करोगे? गोली तो नहीं मारोगे, क्योंकि आपको ये दिमाग है कि गोली मारूंगा मर जाएगा, तो आप जमीन पे फायर तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ऊपर फायर कर तो सकते हो, नहीं कर सकते हो? माना हमने नीचे जमीन पे फायर किया, उन लोगों ने बोला पांव को लगाया, ये एक केस बना दिया। अच्छा, फायर का केस तुमको करना है तो आईपी सेक्शन में करो ना, टाडा का क्या वास्ता है ऐसे? ऐसा भी सुना गया कि समय के चलते वो टाडा हटा दी गई, आप वो सारे वो तो टाडा में डाल दिया। टाडा का कायदा कानून ये है कि यू प्रूव इट, किसी समझो गुंडे ने बोला जिसके ऊपर टाडा लगी हुई है, उसी ने बोला कि भाई आप हमको, इसने पैसा दिया, अब मुझे प्रूव करना है कि मैंने पैसा दिया नहीं। अब कैसे प्रूव करूं भाई, कैसे प्रूव करूं? वो कह रहा है कि पैसा दिया और मैं कह रहा हूं नहीं दिया। अब पुलिस को प्रूव करना चाहिए या मैं प्रूव करूं? मैं उसी दिन उनको बोला कि भाई मैं तो बॉम्बे में था, तो मैंने इनको पैसा दिया कैसे? जब गोली लगी, गोली लगा लगी होती तो वो आदमी, उसके छड़े या कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, वो कुछ नहीं मिले, फिर भी उन लोगों ने उनको पकड़ के केस बनाना था ना। देखो, आज मैं तेरे को पकड़ के, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं आपको पकड़ के लेके जाता हूँ। आज के ज़माने में आप देखो,
पुलिस क्या करती है, किसी को भी पकड़ के ले जाती है और बोलती है ये आतंकवादी था। उनसे किसी ने पूछा है कि तुम आतंकवादी हो या नहीं हो? अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में ऐसा होता है कि हम उनके सबूत इकट्ठे करते हैं, भाई ऐसा ये इस जगह पे, उसके बाद हम उसको पकड़ते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, पहले अंदर डाल देते हैं और उसके बाद आपसे पेपर वाले जाते हैं और वो उनसे कभी पुलिस ऑफिसर ने बोला सबूत इकट्ठे करती है, चाहे वो झूठे हो या कुछ भी, आपको प्रूफ पहले आपने कभी पेपर वाले ने कभी भी किसी उससे पूछा है कि तुम सारे किधर थे और तुमने मारा या नहीं मारा? उनसे कोई नहीं पूछता है, सीधा पुलिस का केस पढ़ के टक डाल दो पेपर में या टीवी पे डाल दो। तो ये फर्क है, कानून का फर्क बता रहे हैं कि यहाँ पर अरेस्ट होता है, अरेस्ट के बाद पीसी ली जाती है, उसके बाद फिर चार्जशीट बनाई जाती है, चार्जशीट में पुलिस को क्या लिखना है, ये सारे इल्जाम पुलिस के ऊपर इन्होंने अपनी ओर से अपने केस के मद्देनजर डाल दिए हैं। लेकिन बाद में टाडा भी हटाया गया, ये भी सामने की बात है, और फिर वो सारे जो है आईपी सेक्शन में कन्वर्ट हुए, आपकी बेल भी हो गई। लेकिन इस दौरान कितने वर्षों तक आप शहर से दूर रहे? मैं 12 साल दूर था। 12 साल में जो बच्चे जिनको मैंने, अभी मैं ऐसे भी बताऊंगा जिनके बच्चों के, समझो रामचंद्रानी जो है अभी आगरा का हमारे पास काम करता था, उसी के बच्चे के जन्मदिन पे मैंने चैंपियन खोली थी उस जमाने में, और आज उसकी शादी हो रही थी तभी मैं उससे मुलाकात हुई। वो बेचारा मेरे को कहाँ से पहचानेगा, उसका बाप था इसके वजह से पहचान हुई, अरे तेरे जन्मदिन पे नारायण कालानी ने आपकी चैंपियन खोली। बहुत से हमारी एरिया में है जो बूढ़े मर चुके होंगे, उनके बच्चे उसी वक्त 2-5 साल के थे। अभी हमको पाकिस्तान का थोड़ी मालूम होगा कि क्या था क्या नहीं था, हम क्या करते थे, क्योंकि 3-4 साल के आए थे। अभी जब बड़े हुए तब मालूम पड़ा कि ये ही है, तो उन बेचारों को तो मालूम ही नहीं है। आज मैं अगर खड़ा भी रहूँगा तो पहचानेंगे थोड़े, लेकिन अगर उसी वक्त अगर मैं खड़ा रहता था तो आदमी पाँव पड़ते थे, क्योंकि जो आज भी उल्लासनगर के अंदर मेरे वार्ड सरी का कोई वार्ड नहीं है। यात्री भवन हमने गरीबों के लिए बनाया, आज उधर ऑफिस खुली हुई है कॉरपोरेशन की, वहाँ हमने शादी हाल बनाया था कि जहाँ गरीब लोग आके शादी करे, जिनसे कोई पैसा लिया नहीं जाए। आज उधर ऐसे बनाया गया है कि जैसे ऑफिस और गार्डन, ठीक है गार्डन ठीक है, लेकिन किसी की शादी होए तो बेचारा नहीं कर सकता है, उनको ऊपर रूम नहीं मिल रही है। हमने तो उसी बेस पे बनाया था ना, गरीबों को समझो फायदा मिले। सर ये रहे आपकी परिसर की बात, उस समय में इतने सालों तक आप दूर रहे और कहीं ना कहीं दुख ये रंज जो है आपके दिल में रह गया है कि शहर के लिए आज भी आप कुछ करना चाहते होंगे, आज पॉलिटिक्स में आपकी रुचि? आज भी हम अगर 4-5 आदमी जो ऐसे उस जमाने के, जैसे हरदास माखीजा या और भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो अपनी सेवा करने के लिए तैयार है, आज भी अगर मेरे को 1 साल दो और ये 1 साल के अंदर उल्लासनगर डिफरेंस न देखो, जो आप दंड बोलेंगे वो मैं भरने को तैयार रहूंगा 1 साल के अंदर। यहाँ देखो आपसे मैं पूछता हूँ, आप गाड़ी है आपके पास, कार है? 2-व्हीलर है। नहीं, 4-व्हीलर है? 4-व्हीलर चलाते हैं हमारे, चलाते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ कहाँ खड़ा करे, आप मेरे को बताओ कहाँ खड़ा करोगे? अगर रोड पे कहीं साइड में खड़ा किया तो 1 लाख लग जाता है और आपको पैसा भरना पड़ता है, और वहीं टेम्पो हो, 4-व्हीलर लोडिंग गाड़ी हो, वो खड़ी रहती है, उनके ऊपर 1 लाख क्यों नहीं लगता है भाई? माना ट्रैफिक क्या कर रही है, ट्रैफिक क्या कर रही है? बम्बई से मेरा एक सगे वाला आया, बेचारा ढूंढते मेरे को आगे पहुंचा तो उसको किसी ने लाग लगा दिया, भाई ये वन वे है। अरे भाई वन वे का बोर्ड तो दिखाओ, उस गरीब को क्या मालूम कि वन वे है या 2 वे है, न बोर्ड है न पार्किंग है, क्या है उल्लासनगर में? फकत यही है कि भाई पकड़ के पैसा लेना है और रामचंद्र की जय करना है, ट्रैफिक ऑफिसर मना क्या कर रहा है? गाड़े खड़े हैं, आप नहीं देखते हो आंखों से, सुबह से शाम तक आप भी तो घूमते हो जैसे हम घूमते हैं,
हम घूमते हैं, वैसे आप भी घूमते हो, हमारे जितने भी आपके कार्य यहाँ के काम करने वाले हैं सब घूमते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ कि कहाँ पार्किंग कर सकते हो? दोनों तरफ से पार्किंग समझो मोटरसाइकिल की है। आपसे मैं पूछता हूँ, और उसमें फोर व्हीलर खड़ा है, तो अगर दोनों तरफ से गाड़ी आए जा सकती है क्या? आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपके ऊपर भी आऊंगा कि आप क्या कर रहे हो। आप जो डेली एसी के अगेंस्ट लिखना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना। नहीं, शायद आप न्यूज कम देखते होंगे या मुझे मालूम। या मेरे पास आए दिन कोणार्क न्यूज इस विषय पर। खैर, मैं अलग एक सवाल उठा रहा हूँ। न्यूज चैनल वाले अपना काम करेंगे, उस मुद्दे को उठाएंगे। बोलने वाले जो इस बात का विरोध करते हैं, इस विषय पर विरोध करेंगे कि शहर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन सक्रियता शहर के लिए बदलाव की सक्रियता लाएगा कौन? क्या सक्रियता में आपका नाम शुमार किया जाए? क्या आप कुछ करना चाहते हैं? आपकी इंटरव्यू चल रही है कि नारायण कालानी इस विषय में क्या करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। हमको आज भी अगर यहाँ की पब्लिक पैसा लेना बंद करे वोटिंग का, वोटर जब आता है, जब हम खड़े रहे तो यहाँ पैसा चलता है। आपसे मैं पूछता हूँ, वोटर अपना 1,000 में 500 में अगर बिका देता है तो मैं क्यों जाऊँ कॉरपोरेशन में? वो पैसा लेना बंद करे तो हम कॉरपोरेशन में क्यों नहीं खड़े रहेंगे? हम 50-50 लाख रुपया खर्चा करके हम कॉरपोरेशन में जाएं तो क्या करेंगे हम? मेरे पास अगर कोई उसी वक्त आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, भाई तुमने तो पैसे लिए, 1,000 रुपया लिया था 500 रुपया लिया था। हाँ, ये एक्चुअली चालू किसने किया था आपको मालूम होना चाहिए। आप जवाब नहीं दे पाओगे ना, किसने पैसे लेने देने की चालू की थी? या नेतृत्व की बात होगी, कोई पार्टी होगी जिसका आप नाम लेना चाहते, बेबाक ले सकते? नहीं, मैं तो ले सकता हूँ ना, मैं ले सकता हूँ, मैं तो किसी से देता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि पहले के एमएलए की आप हिस्ट्री लो, मेरा उनसे कोई वैर नहीं है, मेरी दोस्ती है। आज भी हम कहीं भी मिलते हैं तो बाकी पहन के मिलते हैं, एक दूसरे से खाते हैं। लेकिन मतलब जो अब के कार्यकाल से पहले के पहले, सीधे सीधे कहें कुमार एलानी, अगर पैसा देना बंद किया होता, नहीं दिया होता, तो आज उल्लासनगर में पैसे लेने की देन नहीं चालू होती थी। कहीं ना कहीं नारायण कालानी जनता को जागरूक करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जनता जागरूक हो इस विषय में, जो पैसे की लेन देन है। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके सेवा के लिए आना चाहता है, नगर सेवक बन के कुछ करना चाहता है, तो उनको चुनाव जीतना होगा, और चुनाव जीतने के लिए पैसे की लेन देन उसे नहीं करनी है, सेवा करनी है, तो वो जीत नहीं पाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए जहां नेतृत्व अगर शिकायत के घेरे में है, तो वहीं जनता भी कहीं ना कहीं जागरूक होनी चाहिए कि उसे भी अगर अच्छा नेता चाहिए, ऐसे पुराने अनुभवी जो है नगर सेवक चाहिए या सेवक चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, ये करने के लिए तैयार है सेवा। इनके बातों से, सरल स्वभाव से, बेबाक रूप से, अपने ज़माने की बात में जिस तरह से इन्होंने बातें कही और जिस तरह से एक्टिव लग रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये आज भी शहर के लिए तत्पर हैं। शहर में लोगों का रहना गैर कानूनी रूप से, कहीं कहीं उनको पब्लिक को जो है कॉरपोरेशन की तरफ से कई बार नोटिसेस आते हैं, सनदे न मिलना, इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीओ ऑफिस को आप क्या कहना चाहेंगे? यार, मैं एक बात और बताता हूँ। मेरा एक केस था, मेरा एक प्लाट है जो 1763 में मेरे बाबा ने, मेरे पिताजी ने वो लिया था, और उसके बाद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ने मेरे को वो दे दिया था कि भाई आप बना भी सकते हो साइड में। फिर उसके बाद कुछ साल तक, 12-15 साल तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था। ये तो फिर भी किसी मेरे ऐसे आदमी जो व्यक्ति था जिसने उसको संभाल के रखा। उसके बाद ये हुआ कि एक आदमी मेरे केस के बारे में पूछने को जाते थे, तो मुझे मालूम पड़ा। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्यों जाते हो मेरे केस से, तेरा क्या लेना क्या देना? बोलता है, साहब अनुराग समझो, एक मिसाल भाई, उसने मेरे से पैसा
ये किया था कि मैं तेरे को पैसा दूंगा, ये केस जल्दी निपटा के दे। मैंने बोला यार उनसे क्या मेरा लेना क्या देना, समझो मैंने किसी को पार्टनरशिप दिया है वो बड़ोबर है, लेकिन तुम्हारा मेरे केस में जाने की जरूरत क्या है। मैंने आराम से उसको मंगाया था। उसने क्या किया, सीधा चला गया पुलिस स्टेशन पे कि नारायण कालानी ने मेरे को रिवॉल्वर दिखाए और कहा है कि तुम मेरे केस में आओगे तो मैं छूट कर दूंगा। मैं हंस रहा था, मैंने मेरे को जिसने बताया पुलिस ऑफिसर ने, मैंने बोला केस करो ना तो मजा भी आए, अगर तुम केस करोगे तो मुझे मजा आएगा। बोला कैसे, मैंने बोला इंक्वायरी के लिए आपको मिलेगा, इंक्वायरी में नेगेटिव आएगा कि भाई इसने ऐसी कोई बात कही नहीं है, अगर कही नहीं है तो फिर मैं उसके ऊपर केस ठोकूंगा कि इलीगल, यानी गवर्नमेंट का भी टाइम वेस्ट किया और मेरा भी टाइम वेस्ट किया, ये पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी है वो उसके ऊपर केस बढ़ सकता है। मैंने देखा ऐसे भी होती है ना, एडमिनिस्ट्रेटर में क्या नहीं चलता है, आप चलो तो अभी रिश्वत दो और जो पेपर कौन से पेपर निकालने हैं निकाल के दे देंगे आपको। और ऐसे बहुत से केस है जब वैसे कई सारे ऑफिसर्स इन दिनों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, सुन फिर भी छूट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार है, रिश्वत नहीं चलती, आप इस बात को नहीं मानते? चलती है ना, कौन बोल रहा है नहीं, वो पहले से ज्यादा चलती है, पहले से ज्यादा चलती है। लेकिन ऐसे भी तो नहीं कहूंगा कि मोदी खराब है, ऐसे भी तो नहीं कहूंगा कि ये आदमी खराब है, क्योंकि जो मेरे से एक बार क्वेश्चन किया गया था, मैं ग्वालियर में था, वहां का महाराजा था, महाराजा के बारे में बहुत सारा चलते, मैं उनको बोला महाराजा बहुत अच्छा है लेकिन काम क्या कर रहा है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सज्जन है, उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, जमीन की हड़प करने की, खुद की जमीन है सब है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए क्या क्या है, हमारी कम्युनिटी के लिए आडवाणी हमारा लीडर होते हुए भी क्या किया, आज आप भी बोलते हो ना, हाँ तेरे से मैं पूछता हूँ, उनका काम नहीं था कि हमारे लिए कुछ सिंधियों के लिए करना, नहीं किया। आज उनको उतारा जाता है तो उसी वक्त चिल्ला के बोलता है कि भाई सिंधी कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, आज ही याद आ रही है, उसी वक्त तेरे को याद नहीं थी, उसी वक्त तुम हिंदुस्तान का लीडर था। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं। यहाँ के उल्लासनगर में सन्नत के मामले में इन दिनों आपकी क्या जानकारी, क्या हो? अरे कुछ भी नहीं यार, वो गवर्नमेंट बोलती है सन्नत दो और ये एडमिनिस्टर बोलता है कि पहले प्लाट वाले से जाके माप में तुम्हारा नक्शे में है, अब मैं तेरे से पूछता हूँ, प्लाट वाला बोलता है कि इधर नाम ही नहीं है तुमको वो नहीं देंगे, ये बोलता है कि नहीं देंगे, फिर दोनों जब पैसे खाते हैं दोनों बोलते हैं आओ, दोनों को मिल जाता है और दोनों वहाँ लकीर बन जाती है और यहाँ सनद निकल जाती है। ये तो आर्डनरी बात है ना, कौन सी जगह पे क्या नहीं चलता है ये बताओ। अब शहर की वर्तमान जो स्थिति है पॉलिटिक्स में, बीजेपी के साथ टीम ओमी कालानी भी जुड़ गई है, आप टीम ओमी कालानी के विचारधारा के साथ हैं? क्योंकि आप अनुभवी हैं, आप बड़े हैं और वो युवा हैं सब, उनके विचारधारा और आपकी विचारधारा में कोई फर्क है? देखो फर्क ये है, अगर उनको भी राज दिया जाए, क्योंकि कालानी का खून है, ब्लड जो है कालानी की है, उनके ब्लड में ये है कि सेवा करना, अगर उनको भी राज बराबर दिया जाए तो वो बराबर सेवा करेगा, क्योंकि खून तो डीएनए का मतलब क्या होता है, यू टेल मी, डीएनए का मतलब ही ये होता है ना कि डीएनए जब होती है तो इसमें कहा जाता है कि इसके ये लक्षण होते हैं, और डीएनए के लक्षण तो ऑटोमेटिक होगा ना, क्या भी होए उसके लक्षण तो जाने वाले है ही नहीं। सर सीधी बात बोलता हूँ, डीएनए के मतलब से ही बोलता हूँ, पप्पू कालानी में आपके कौन कौन से लक्षण, डीएनए दो भाई है आप, उनका लोकप्रियता इतनी बड़ी तो कहीं ना कहीं आपका भी तो उसमें जरूर रोल रहा होगा। यस, शुरू के दिनों में। यस, अभी मैं बताता हूँ, मेरा एक ज्योतिषी दोस्त है, आप सभी का ही होगा ज्योतिष करने वाला, उसने ज्योतिष किए, मेरे पास अभी भी पेपर जेब में पड़ा है, बोलो तो मैं निकाल के दिखाऊं। उसने कहा कि विषम पितामह था, चाहे उनको मालूम भी था
किसी भी चीज का, भीष्म पितामह का काम क्या होता था, अपने प्रोटेक्ट अपनी फैमिली, मेरा काम है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, रंग एंड राइट वो नहीं देखता था। कृष्ण कह रहा है तभी भी वो बोल रहा है कि मैंने जो कसम खाई है उसी के ऊपर तो मैं चलूंगा ही चलूंगा। इनको मालूम नहीं था कि गलत कर रहे या राइट कर रहे। तो उसी हिसाब से मेरे को भीष्म पितामह करके बिठाए तो मैं भीष्म पितामह बन के रहूंगा ना, मैं इधर उधर हो ही नहीं सकता हूं ना। कृष्ण चाहे कितना भी समझाए लेकिन भीष्म पिता की जो भूमिका है वो पूरे संसार ने देखी है, और ऐसी ही भूमिका कालानी परिवार के लिए नारायण कालानी ने निभाई है, ये इनका कहना है। तो चलिए अब जब दौर आएगा इलेक्शन का, टीम ओमी कालानी में फिर से अगर आपको कहीं की एक नॉमिनेशन दी जाए, और आप नगर सेवक बनना चाहेंगे टीम ओमी कालानी पार्टी से? क्यों नहीं बनूंगा नगर सेवक, मेरे की सेवा करने की तो मेरे खून में रग रग में हमारे सेवा लिखी हुई है, और हम क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन पैसा दे के मैं नहीं नगर में आना चाहता हूँ, मुझे कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है जो पब्लिक को फायदेमंद हो। लेकिन ऐसे कर्म न करूं पैसा दे के और खाना खिला के या रिश्वतखोरी करके, और मैं उसी कर्म से नफरत करता हूं। तब तो आपको इंतजार करना होगा ऐसे वार्डों का जहां कालानी परिवार के लोग अपने नाम से, अपने काम से, अपने कर्म से जीत कराते हैं, और ऐसे ही वार्ड से आपको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना भी होगा। फिर आगे चल के परिस्थिति स्थितियाँ चेंज करनी होंगी, शहर में जागरूकता लानी होगी। बहरहाल हम इन्हें शुभकामना देते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से आज के इस प्रोग्राम में। और जाते जाते नारायण कालानी जी, एक हमारा सेक्शन रहता है रैपिड फायर, जिसमें मैं अपनी ओर से एक शब्द या एक सवाल कहूंगा और उसके उत्तर में आप एक शब्द, एक लाइन, दो लाइनें भी कह सकते हैं तुरंत बिना सोचे। सबसे पहला शब्द वाइन सम्राट। वाइन सम्राट हमारी कंपनी थी जिसका मैं ओनर था, वाइन की कंपनी, वाइन कंपनी जिसको होलसेल बोलते हैं, होलसेल लेसन वो हमारे पास था, और हम उसी वक्त पूरे महाराष्ट्र में हमारा नाम था। शीतलदास हरचंदानी। शीतलदास हरचंदानी ठंडा आदमी था, अच्छा आदमी था, लेकिन उसने शहर के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके वजह से शहर को बाउंड्री मिली, वो बाउंड्री नहीं कर पाया। पप्पू कालानी। पप्पू कालानी आज भी किसी से पूछोगे, आप अपने आप ही आपसे अब खुद से पूछो कि पप्पू कालानी अगर था तो सिंधी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी, बहुत से कम्युनिटियों का उनके ऊपर विश्वास था, और पप्पू कालानी ने शहर को अच्छा किया, वो तो आप खुद ही कह रहे हो, मेरे कहने के सवाल आप भी खुद कह रहे हो। तो बात नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा आदमी है, चाहे मैं कांग्रेस का होते हुए भी मैं नरेंद्र मोदी की अच्छाई कर रहा हूं कि ऐसे नहीं कि खराब आदमी है, लेकिन उनके जो असिस्टेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वहां तक पैसा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, या गरीबों को वो मिलता है वो नहीं मिलता है। अच्छा आदमी होने के कारण हम उनकी इज्जत करेंगे, ऑर्डर देता हूँ, और पहला मैं हूँ जो गुजरात में जब 12 साल था तो पहला वोट मैंने अपना कांग्रेस से छोड़ के नरेंद्र मोदी को दिया था। आज की राजनीति, पॉलिटिक्स। राजनीति तो ऐसी है, रामचंद्र की जय जैसे बोलते हैं, सियावर रामचंद्र, रामचंद्र की जय, जहाँ भी यानी मतलब पैसा दो काम लियो, मतलब आप वो दूसरा एक लाइन आता है राम नाम जपना पराया माल अपना, राम का नाम लेते हुए और पराया माल को अपनी जेब में डालते हुए वोट करना है, और इसी तरह की राजनीति अगर रही तो ये नारायण कालानी की सूझबूझ वाली राजनीति नहीं है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में नारायण कालानी ने अपनी सरल भाषा में बेबाक होकर जवाब दिए, कई बार तो इन्होंने अपने सवालों के जवाब हम पर ही ठोक दिए, लेकिन फिर भी इन्होंने आज हमारे एक मुलाकात में आपके लिए एक अच्छा सा जो इंटरव्यू दिया है वो आपको बहुत पसंद आएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।